हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टर्स डायमंड मॉडल के बारे में या फिर जिसको हम बोलते हैं नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी तो ये थ्योरी आपके यूनिट नंबर थर्ड के अंदर आता है इंटरनेशनल बिज़नेस के अंदर इससे पहले भी मैं और सारी थ्योरीज को यहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस मॉडल को समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड को देखते हैं डेवलप्ड बाय माइकल पोर्टर्स तो ये जो मॉडल है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वाला ये आपका मॉडल किसने दिया था माइकल पोर्टर ने इस मॉडल को यहाँ पे डायमंड मॉडल भी बोलते हैं ही वॉज द फाउंडर ऑफ़ द इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटेटिवनेस एट द हारवर्ड बिजनेस स्कूल तो माइकल पोर्टर्स जो है ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिवनेस के फाउंडर थे इन्होंने इसको भी फाउंड किया था द थ्योरी ऑफ एंड री टू एज द पोर्टर्स डायमंड थ्योरी थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज तो ये जो हमारी थ्योरी है इसको हम पोर्टर्स डायमंड थ्योरी भी बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज डाटा नेशन प्रोसेस ड्यू टू अ सर्टेन फैक्टर अवेलेबल टू देयर तो ये थ्योरी उसके बारे में होती है जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिल सके मतलब हम अपनी कंट्री के अंदर कितने हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल है उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और उसके बाद में जितने भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं उससे हम किस तरीके से एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज उस फैक्टर्स का ले सकते हैं तो उस बारे में आती है हमारी ये थ्योरी जिसको हम बोलते हैं पोटर्स डायमंड थ्योरी तो यहाँ पर जो हमारे माइकल पोर्टर है उन्होंने इस टाइप का एक मॉडल यहाँ पर दिया है जिसके अंदर चार फैक्टर्स के बारे में बात की जाती है और इसके साथ पे दो फैक्टर्स और है जिसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे तो फर्स्ट आता है आपका फैक्टर कंडीशन सेकंड होता है फॉर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज डिमांड कंडीशन तो एक एक करके हम इनको डिटेल में स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आता है आपका फैक्टर्स कंडीशन फैक्टर्स कंडीशन आर दोज एलिमेंट पोर्टर्स बिलीव अ कंट्री इकोनॉमी कैन क्रिएट फॉर इट्सल्फ सच एज अ लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड लेबर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल अबव ऑल फैक्टर्स कंडीशन के अंदर आपके वो फैक्टर्स आते हैं आपके वो एलिमेंट्स आते हैं जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होते हैं अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ना ये कंट्री की इकोनॉमी के लिए वो फैक्टर्स खुद के लिए वो वहाँ पे बनाए जाते हैं जैसे कि कोई कंट्री है वहाँ पर कोई इंडस्ट्री बनी अब उसके अंदर जैसे कि स्किल्ड uh, लेबर होंगे तो वो स्किल्ड लेबर्स जो होंगे वो जो भी काम करेंगे वो किसके लिए बेनिफिशियल होगा उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए जितना भी वो कैपिटल लगाएंगे या जो भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो किसके लिए बेनिफिशियल होगा उस कंट्री की इकॉनॉमी के लिए तो यहाँ पे वो फैक्टर्स आते हैं जो बेनिफिशियल है कंट्री की इकॉनॉमी के लिए जिसके अंदर हम यहाँ पे तीन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं लेबर जिसके अंदर हम यहाँ पे देखते हैं स्किल्ड लेबर होने चाहिए जिनको अच्छे से नॉलेज हो कि उनको क्या काम करना है सेकंड आता है आपका कैपिटल जिसके अंदर ये देखा जाता है कि वो इंडस्ट्री के अंदर कितना कैपिटल की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है थर्ड आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि किस तरीके की इंडस्ट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर वर्कर्स को किस टाइप का वर्किंग इन्वायरमेंट दिया जा रहा है वर्किंग कंडीशन कैसी है उनको सैलरी कितनी दी जा रही है तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये आता है आपका फर्स्ट पॉइंट के अंदर फैक्टर्स कंडीशन अब यहाँ पर आपका सेकेंड पॉइंट आता है स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड ड्राइवलरी राइवलरी मतलब होता है आपके जो भी कंपटीशन के अंदर कौन कौन आपके कॉम्पिटिटिवनेस uh, जो जो आपके कॉम्पिटिटर्स के अंदर कौन कौन है और साथ में उनके साथ आप कॉम्पीट करने के लिए किस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करोगे किस बिजनेस स्ट्रक्चर का आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो अ फर्म फेसिंग राइवल री लीड्स टू इट फाइंड द वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ़ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो यहाँ पर कोई भी जो फर्म होती है ना उसको जब वो फेस करते हैं अपने राइवल्स को तो वो ये देखती है कि हम किस तरीके से किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को यहाँ पे इंक्रीज़ कर पाएंगे और साथ में जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है ना उसकी डेवलपमेंट कैसे करेंगे जो आज के टाइम पे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है तो किस तरीके से अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट कर पाएंगे तो यह आता है आपका किसी भी फॉर्म को वहाँ पर साथ में जो कॉम्पिटिशन है उसको फ़ेस करने के लिए तो दो चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है इंक्रीज प्रोडक्शन और साथ में आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ़ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन द कॉम्पिटिशन ब्रिंग प्रोस्पैरिटी टू अ नेशन डोमेस्टिक मार्केट अब जो भी कॉम्पिटिशन होता है ना जो साथ में जो भी वर्किंग कंडीशनस होते हैं उनको देखना पड़ता है वो लोग किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी फॉलो करना पड़ता है तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती है फॉर्म्स इन अ स्ट्रैटेजी टू बीट देयर कॉम्पिटिशन मेकिंग अ स्ट्रॉग स्ट्रक्चर इज़ द मेजर फैक्टर ऑफ दिस थ्योरी तो इस थ्योरी के अंदर जो आपका सेकेंड पॉइंट आता है इसके अंदर ये मेन चीज आती है कि किसी भी आपकी जो इंडस्ट्री है ना कोई भी है जो आपकी कंपनी है उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे वो किसी भी किसी भी किसी भी टाइप का अगर कंपटीशन हो ना उसे फेस कर पाए इजीली कंपटीशन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है ना सबसे पहले तो उसको ही स्ट्रोंग बनाना पड़ता है जिससे वो आने वाले कॉम्पिटिशन के साथ में उसको अच्छे से फेस कर पाए और वहाँ पर अपने आप को सबसे बेस्ट दे पाए तो ये था आपका सेकंड पॉइंट थर्ड आता है आपका रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ में आता है कि आपके कौन कौन ऐसे पार्टनर्स हैं जो आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपका साथ देते हैं तो इसके अंदर आता है आपका दीज आर द सपोर्टर इन द सेम सेक्टर और इंडस्ट्री दैट फैसिलिटेट द इनोवेशन थ्रू देयर सपोर्ट एंड बाय एक्सचेंजिंग देयर आइडियाज़ तो इसके अंदर हम उन सपोर्टर्स की बात करते हैं जो सेम सेक्टर के अंदर है या फिर जो सेम इंडस्ट्री के अंदर साथ में काम कर रहे हैं और ये लोग क्या करते हैं ये आपको फैसिलिटेट करते हैं आपको इनोवेशन के अंदर आपकी हेल्प करते हैं टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन के अंदर हेल्प करते हैं साथ में ये लोग क्या करते हैं इनोवेशन के अंदर जो भी आपके आइडियाज़ है उसका भी एक्सचेंज करते हैं तो ये आता है आपका सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर वी कैन डिवाइड दैम इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ ऑफन वी कॉल दैम सप्लायर एंड कस्टमर्स तो ये जो आपके सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ है ना इनको हम डो टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं एक बोलते हैं हम आपका अपस्ट्रीम और सेकंड आता है आपका डाउनस्ट्रीम जिसके अंदर हम इनको दूसरे नाम से किससे जानते हैं सप्लायर्स और कस्टमर्स क्योंकि जो आपके कस्टमर्स होते हैं ना जो ट्रू और लॉयल कस्टमर्स होंगे वो आपको टाइम टू टाइम फीडबैक देंगे आपको वहाँ पे ये बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट के अंदर किस टाइप की इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ये सारी चीज़ें कौन देता है एक जो लॉयल कस्टमर होगा वो अपनी ब्रांड को वहाँ पर मेनटेन करने के लिए ये सारे टाइम टू टाइम फीडबैक्स वहाँ पर फिल करेगा तो इस टाइप के जो सप्लायर्स और कस्टमर्स होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए वहाँ पर सपोर्ट करते हैं दे कैन एक्सचेंज देयर नॉलेज आइडियाज़ बाय मेकिंग ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द टू इंडस्ट्रीज़ अब ये जो आपकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होती है ना ये साथ में एक दूसरे के साथ में नॉलेज और आइडियाज़ को वहाँ पर शेयर करते हैं और इन दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए दोनों के साथ में किसी भी चीज़ से मतलब छुपा हुआ नहीं होना चाहिए जिसके भी आ, उनके माइंड में जैसा भी उस प्रोडक्ट के बारे में है तो वो चीज़ें उन इंडस्ट्रीज़ को या उस कंपनीज को वहाँ पर पता होनी चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर उनको किस टाइप के वहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा अपने टेक्नोलॉजी के अंदर तो ये था आपका थर्ड पॉइंट यह आता है आपका फोर्थ फैक्टर जिसके अंदर आता है आपका डिमांड कंडीशन इट रेफर्स टू द साइज एंड द नेचर ऑफ द कस्टमर बेस ऑफ द प्रोडक्ट अ कंपनी और इंडस्ट्री इज़ ऑफरिंग अब इसके अंदर वो साइज़ आता है या फिर आपका वो नेचर आता है कस्टमर का जिसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई भी कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट्स को वहाँ पे ऑफ़र कर रही है और जो हमारी इंडस्ट्री या जो भी कंपनी है वो किस टाइप के प्रोडक्ट को ऑफ़र कर रही है कितने लोगों को ऑफ़र कर रही है साथ में उसका नेचर क्या है उस प्रोडक्ट को आ, मतलब वो जो प्रोडक्ट्स है वो पेरिशियेबल है अनपेरिशियबल वो किस टाइप का उसका नेचर है उसका साइज कितना है कस्टमर्स का कितना साइज़ है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा है बट उस प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं हो रही तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ये, ये सब चीज़ों को वहाँ पर बैलेंस करके यहाँ पर चलना पड़ता है इसके बाद आता है कस्टमर्स लीड द प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन वैन दे स्टार्टेड मेकिंग फीडबैक फॉर द प्रोडक्ट अब जैसे कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था कि जो कस्टमर्स होते हैं उनकी वजह से ही किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो जिस तरीके से वो टाइम टू टाइम फीडबैक देते हैं या प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि उनके प्रोडक्ट को कैसा लगा प्रोडक्ट को यूज़ करके कैसा लगा और इस प्रोडक्ट के साथ में वो आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे तो इस टाइप के जो फीडबैक होते हैं ना ये कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए होता है और इससे क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इस टाइप के फीडबैक उससे क्या होता है वो कंपनी जो है ना वो आने वाले टाइम में प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकती है या फिर अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन कर सकती है अगर उसको कोई अपडेट करना है तो वो कर सकती है अगर जैसे कि कोई भी हमारा कस्टमर है उसकी फैशन के अंदर कोई चेंज आता है उसके टेस्ट के अंदर कोई चेंज आता है प्रेफ्रेंसिस के अंदर कोई चेंज आता है तो वो सब उसके साथ में देख के टाइम टू टाइम अपने आप को वो अपडेट करने की कोशिश करती है इंडस्ट्रीज़ ट्राई टू लर्न देयर कस्टमर्स एंड मेक देयर प्रोडक्ट मोर कस्टमर ओरिएंटेड तो इससे क्या होता है जो आपके फीडबैक्स यहाँ पे कस्टमर्स प्रोवाइड करवाते हैं ना उसे इंडस्ट्री क्या करती है टाइम टू टाइम वो वो इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे सीखती है और वो कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने की वहाँ पर कोशिश करती है कि जितने भी उनके प्रोडक्ट बने वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बनाया जाए जिस टाइप की कस्टमर की नीड्स हैं उनके जैसे वॉन्ट्स हैं उनकी टेस्ट जैसा है फ़ैशन जैसा है चॉइस जैसी है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को वहाँ पर बनाना चाहती इसके बाद में आता है आपका कंक्लूजन जिसके अंदर ये बात बोली जाती है कि ये जो फोर फैक्टर हमने पढ़े हैं ना ये बहुत सफिशेंट uh, नहीं है इन फोर फैक्टर्स के साथ साथ यहाँ पे टू फैक्टर्स और हैं जिसको यहाँ पे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉटेंट है अपार्ट फ्रॉम दिस फोर फैक्टर टू मोर फैक्टर्स आर देयर दैट हेल्प अ इंडस्ट्री टू मेक देयर प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटेटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट अब ये जो आपके फोर फैक्टर्स थे जिसके अंदर हमने बात की थी इसके साथ में दो और फैक्टर्स हैं जिसको हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है ये आपका सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए हेल्पफुल नहीं होगा इंटरनेशनलाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जिसके अंदर आता है आपका फिफ्थ फैक्टर होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जिसके अंदर यह देखा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट है गवर्नमेंट कितना टैरिफ्स लगा रही है गवर्नमेंट कितनी सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पर किस टाइप की डंपिंग यूज़ कर रही है एंटी डंपिंग पॉलिसी कैसी है तो ये आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर जिसके अंदर ये देखा जाता है अगर आने वाले टाइम में कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई चेंज होता है कोई दूसरी पार्टी आती है तो वो उस प्रोडक्ट को कितना सपोर्ट कर रही है तो ये सब आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर चांसेस के अंदर आता है कि किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ पर मार्केट के अंदर वो कितने टाइम तक वहाँ पर रुक सकता है उसकी मेचोरिटी कितनी है उसको कब प्रोडक्ट जो है वो आपका किस स्टेज के वहां पे जाके डिक्लाइन कर रहा है तो ये आता है आपका चांस के अंदर Here we can say that it is the most famous theory of international trade which cover almost all the factor. तो लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरी है आपकी बहुत famous थ्योरी है अगर आप international trade करते हैं और क्योंकि इसके अंदर almost आपके सभी फैक्टर्स यहाँ पर जो होते हैं वो cover हो जाते हैं अब जैसे कि हम factors और production के बारे में बात करते हैं तो मेनली यहाँ पे आपके four factors आते हैं लैंड लेबर कैपिटल entrepreneurship। तो इन सभी factors का यहाँ पे cover हो जाता है तो ये थी आपकी पोर्टर्स डायमंड मॉडल जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉम्पिटर टिव एडवांटेज आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग